रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। गोविंद सागर में पर्यटन श्रृंगार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है तथा पर्यटन विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ उपायुक्त कार्यालय में विधायक सदर बिलासपुर सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें गोविंद सागर तथा कोल डैम झील में पर्यटन विकसित करने के लिए गहनता से चर्चा भी की गई। गोविंद सागर में पर्यटन श्रृंगार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है तथा पर्यटन विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ उपायुक्त कार्यालय में विधायक सदर बिलासपुर सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें गोविंद सागर और कोल डैम झील में पर्यटन विकसित करने के लिए गहन चर्चा की गई। इसके अलावा बंदला में पैराग्लाइडिंग साइट विकसित करने के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक व पर्यटन अधिकारियों के साथ साइट विजिट किया तथा बंदला धार पर पैराग्लाइडिंग की संभावना के बारे में भी चर्चा की गई, ताकि यहां पर पैराग्लाइडिंग भी नेशनल लेवल की करवाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे दिन दूर नहीं जब झील में अच्छी क्वालिटी यानी आधुनिक सुविधाओं से लैस मोटर बोटें और शिकारे चलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। मीटिंग में गोविंद सागर झील में पर्यटन विकसित करने को लेकर चर्चा की गई तथा जिला के अन्य संस्थानों में टूरिज्म विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि कश्मीर की डल की तर्ज पर यहां झील में अच्छी गुणवत्ता वाली मोटर बोटें व शिकार चलाए जाएंगे ताकि कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक बिलासपुर में भी रुक सकें। बैठक के बाद पर्यटन विभाग के अफसरों की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोविंद सागर में पर्यटन संभावनाओं की भी तलाश करेगी। झील किनारे पर्यटकों के बैठने और अन्य सुविधाओं को लेकर भी योजना बनेगी। झील में पर्यटन विकास को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार झील में पर्यटन विकास को लेकर योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन आज दिन तक एक भी योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। बिलासपुर में पर्यटन लिहाज से कोई खास न होने की वजह से पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख करते हैं। पर्यटकों को बिलासपुर में रोकने के मद्देनजर कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगर मैं टूरिज्म की संभावनाओं के विषय के ऊपर और बिलासपुर में टूरिज्म की डेवलपमेंट के ऊपर बैठक थी, जिसमें जिलाधीश महोदय, टूरिज्म से ड्यूटी डायरेक्टर पंकज जी, वीरेंद्र जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होटलियर्स, व्यापार मंडल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सभी लोगों के साथ एक बैठक हुई, और उस बैठक में पैराग्लाइडिंग, यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स और उसकी टेक्निकल अप्रूवल के लिए, और यहाँ पर जो हमारा गोविंद सागर है इसमें पैडल बोट, स्टीमर्स और क्रूज और हमारे ये होम स्टे, इस तरह से टूरिज्म और इस जलाशय में टूरिज्म की दृष्टि से जो मनाली जाने वाला टूरिस्ट है वो यहाँ पर रुके, ताकि यहाँ के होटलियर को, नौजवानों को रोज़गार भी मिले, और उसी तरह से व्यास गुफा के उसको हम एक हेरिटेज के रूप में और रिलीजियस उसके महाभारत के साथ जोड़ने के साथ वो ये सारी चीज़ें और इनकी संभावनाएं तलाशने के लिए आज एक अहम बैठक हुई है, और इस बैठक के माध्यम से आने वाले दिनों में बिलासपुर और इस गोविंद सागर झील, कोल डैम, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इन सब विषयों के ऊपर एक बातचीत हुई है और एक इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और आने वाले दिनों में बिलासपुर ज़िला और यहाँ का जो लूणू ग्राउंड है, यहाँ हेलीपैड और लूणू के साथ ही यहाँ पर ये घाट डेवलप करने के लिए, ताकि वह नीचे तक और जेट्टी, ये सारी प्रपोजलें आज यहाँ पर बनाने के बाद यह शिमला को भेजी भी जाएगी, और इसके ऊपर काम भी किया जाएगा, और आने वाले दिनों में बिलासपुर टूरिज्म के मानचित्र बनाएगा। धन्यवाद।